अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जब्बार रजा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज्जत की, ईद उल सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिब्रा वीकली होरोस्कोप 24-30 अक्टूबर, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? लिब्रा, दो बड़ी तब्दीलियां आपके जायचे में, एक तो बल्कि तीन बड़ी तब्दीलियां कहनी चाहिए, दो पिछले हफ्ते आई और एक इस हफ्ते में। पिछले हफ्ते सबसे बड़ी तब्दीली जो थी वो थी आपके असेंडेंट में जो है मरकरी का कंबस से निकलना और स्टैंड बाय होना, रेट्रोग्रेशन भी उसकी खत्म होना। उसके बाद दूसरी तब्दीली जो आई वो सन बिल्कुल लास्ट डेट थी, लास्ट वीक की 23 को सन जो है फर्स्ट हाउस से निकल के सेकेंड हाउस में आ गया। ये बहुत अच्छा आपके लिए जबरदस्त एक मामला हुआ। उसके बाद तीसरी अहम तब्दीली जो है वो इस हफ्ते में आएगी, जबकि मार्स जो कि आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है सेकंड हाउस का लॉर्ड होते हुए, ये भी अपने ही भुज में सेकंड हाउस में चला जाएगा 30 अक्टूबर को। तो ये तीनों पॉजिटिविटियां आपको जो है इंशाल्लाह मिल सकेंगी, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और बाकी दीगर आपकी जिंदगी के जो अमूर है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रोशनी जरूर डाली जाएगी, ताकि आपको गाइडलाइन जो है वो मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि हमारे चैनल पे जो है लास्ट वीक में हमने बताया था एक ऑफर पर्सनल हॉरोस्कोप पे यानी बर्थ चार्ट पे जो है एक ऑफर लगी हुई है, अभी भी वो वैलिड है, 24 तक वैलिड है। अगर आप में से कोई भी उसको ज्वाइन करना चाहता है तो पहली फुर्सत में व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर ले, 24 के बाद फिर हमारी तरफ से माजरत होगी, किसी का भी जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज की वीडियो को स्टार्टअप में करूंगा मरकरी से। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट भी बड़ी अच्छी पोजीशन में, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन मरकरी को साथ मिला के, क्योंकि आपके अपने रूलिंग प्लैनेट की और मरकरी की दोनों की डिग्रीज अब बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, सो इसको दोनों को मिला के बात करूं। मरकरी जब भी फर्स्ट हाउस में आता है तो आपके लाशौर से कुछ चीजें आपके शौर में जो है वो ट्रांसफर होती हैं, और स्पेशली ये इंट्यूशंस जो आपको आती हैं स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से होती हैं। और इस मादी दुनिया में रहते हुए अगर आपको स्पिरिचुअलिज्म की कुछ चीजें मिल जाए तो फिर वो तो एक नेमत से कम नहीं होता। बहरहाल ये बड़ी जबरदस्त चीज आपके लिए हुई, आपकी सूझबूझ में इजाफा होगा, आप सॉफ्ट स्पोकिंग होंगे और आपको अपनी किरदार साजी का जो है वो मौका मिलेगा। इसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पहले आपके पास किरदार नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको उसको बेहतर करने का मौका मिलेगा, आपकी इज्जत वकार में इजाफा होगा आपकी बेहतरीन गुफ्तगू से। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये देखा जाता है कि जब दो प्लैनेट 5 डिग्री के अंडर हो तो इसको नजर में जो है वो माना जाता है, सो तस्दीक की नजर बन रही है। थर्ड हाउस में मौजूद आपका अपना रूलिंग प्लैनेट और फर्स्ट में मौजूद मरकरी, यानी इज्जत वकार सूझबूझ के साथ साथ सॉफ्ट स्पोकन प्यार मोहब्बत और इखलास, ये आपके किरदार का जो है वो एक पार्ट बनेगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या बनेगी? आपकी गुफ्तगू, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका नॉलेज, ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगी और आप मकबूल आम होंगे इज्जत वकार के साथ साथ, इसमें भी आपके इजाफा होगा। सन सेकंड पार्ट में गया, उससे पहले मैं मार्स को जिक्र करूंगा। मार्स फर्स्ट हाउस में रहते हुए आपको प्रॉपर्टी सवारी की खरीद फरोख्ती तो भी माइल करता है, अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग को जो है इसको सिक्योर करने की तरफ लेके जाता है। आप एक से जायद सोर्स ऑफ अर्निंग तरफ चलते हैं, अपनी माली पोजिशन को इस मुस्तहकम करने की तरफ आप जो है वो बहुत ज्यादा माइल होते हैं। फिर 11वें का लॉर्ड सन आपके जायचे के सेकंड पार्ट में आ गया, 11वें का लॉर्ड जब दूसरे में आता है तो माली पोजीशन से, माली पोजीशन के हवाले से आपकी जो डिजायर्स होते हैं उनको कंप्लीट करता है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपको करेज मिलती है, आपको दोस्त अहबाब भी सपोर्ट करते हैं, इस तरह आप अपनी माली पोजीशन को जो है वो बेहतर से बेहतर जो है बनाते चले जाते हैं। इसके अलावा होप्स आपकी जो होती है ये कंप्लीट होती है, यानी जो आप चाह रहे हैं वो आपको हासिल होता है, आप उसको कर पाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है कि जो आप चाह रहे हो वो उसको आप कर भी पाए। आपके ऐसे दोस्त अहबाब जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं या किसी भी वाले से जो है साहिब इक्तदार हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो भी आपको अच्छे सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। आपके थर्ड हाउस में जब वीनस आता है तो आपको तहरीर और तकरीर के मामले की तरफ लेके जाता है, आपकी जो सूझबूझ है उसमें भी इजाफा होता है, नॉलेज गेन करते हैं आप, हिम्मत आपको मिलती है, करेज आपको जो है बेहतरीन, और आप जो अपनी सलाहियतें हैं उनको बेहतरीन तौर पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। नजदीकी सफरों का मौका मिलेगा, सोशल एक्टिविटीज आपकी जो है वो बढ़ेंगी और कुछ आपका अपनी फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो जो है इसके ऊपर भी बढ़ती चली जाएगी।
आपका असर रसूख जो है वो माशरे में, अपने दोस्त अहबाब में और अपनी हमसायगी में अपने बहन भाइयों के साथ आपका असर रसूख जो है ये भी बढ़ता चला जाएगा। चौथे घर का हाकिम पांचवें घर में, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी सवारी की तब्दीली के लिए अब बिल्कुल आमादा हैं और अब जो रुकावटें थी वो दूर हो चुकी हैं और इंशाल्लाह आप बेहतर प्रॉपर्टी का असूल भी आपका मुमकिन होगा, घर में सुकून जो है वो आपको मिल सकेगा। इसके अलावा बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, बच्चों के साथ आपके मामलात में बहुत ज्यादा जो है इंशाल्लाह बेहतरी ये भी मतलब को है। चूंकि ये आपके थर्ड का भी आके में सो बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करेगा और आपके बहन भाई आपके बच्चों के हवाले से भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनाम स्कीम में पार्टिसिपेशन करना भी बड़ा जबरदस्त रहेगा आपके लिए, चूंकि पांचवें घर का हाकिम पांचवें घर में ही मौजूद रहते हुए मामलात को बेहतर बना रहा है। इसी तरह आप नॉलेज गेन करेंगे और अब जो नॉलेज आप गेन करेंगे वो बहुत ही तदब्बुर और हिकमत से भरा हुआ होगा। अब आप दीन के साथ साथ दुनियावी के साथ साथ बल्कि कहना चाहिए दीनी नॉलेज भी आप गेन करेंगे और हिकमत और तदब्बुर दोनों चीजें अब आपके हमराह जो है वो चलती नजर आती हैं। शक्ति अज़दवाजी मामला, ये मामला अभी इस हफ्ते आपके बहुत अच्छे नजर नहीं आते लेकिन 30th के बाद इसमें इंशाल्लाह जो है इसमें भी बेहतरी आती चली जाएगी। दूसरों से वाबस्ता आपके मादी मफादात, आपके विरासती मामला, पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो बेहतर प्रॉफिट का असूल जो है वो आपके लिए अब मुमकिन होता चला जाएगा। बैरून मुल्क सफर की आपकी राहें जो है वो बिल्कुल खुली है, सोशल वर्कर के साथ रिलेशनशिप भी बेहतर है और नॉलेज आप गेन कर सकेंगे। स्पेशलाइजेशन अगर करना चाहेंगे उसके लिए भी आपकी राह हमवार है। अगर आप बैरून मुल्क जाके नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन के लिए आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी राहें जो है वो बिल्कुल खुली है। कैरियर, रोजगार, सुशाली जो कारब के साथ रिलेशनशिप, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप, ये तमाम चीजें आपकी बहुत अच्छी साइड पे जो है वो ट्रांसफर हो रही है। बेहतरीन जमसून आपके लिए ओपल, ओपल इस वक्त आपको और भी ज्यादा बेनिफिट जो है वो देगा चूंकि उसकी नजरात जो है मरकरी की और वीनस की आपको बहुत ज्यादा देगा। फिर इसमें मल्टी फायर जो होते हैं वो मुख्तलिफ स्टार्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एक बेहतरीन फायर ओपल चाहे वो वाटर ओपल हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो दोनों आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन साबित होंगे। और बेहतरीन जमसून के लिए, जम कलेक्शन के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट javajam.com विजिट कर सकते हैं। इस तरह आप घर बैठे बेहतरीन क्वालिटी का स्टोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन मालूमात की बेस पे आप अपने लिए इस हफ्ते को बेहतर तौर पे प्लान कर सकेंगे, इससे मुस्तफीद हो तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मीडिया टीम को, वो बहुत सारे लोग इसमें अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।